अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हजरात, कैसी तबीयत है। मैं आपका मेज़बान हाजिद अलीम पराचा अपने एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत लायन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली लायन जो है वो कैट की फैमिली से है, इसे बिग कैट्स कहा जाता है। बिल्कुल कैट की ही नेचर की इनकी नेचर होती है। लायंस पाकिस्तान के अंदर तो पाए नहीं जाते। पाकिस्तान के अंदर जो बिग कैट एक ही पाई जाती है वो लेपर्ड है। दो किस्म के लेपर्ड्स पाए जाते हैं, एक स्नो लेपर्ड है और एक कॉमन लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड आपका गिलगित साइड पे जो काराकरम है वहाँ पाए जाते हैं, और मेरे हिसाब तक वो सिर्फ और सिर्फ काराकरम के ऊपर ही हैं स्नो लेपर्ड, और दुनिया में कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में दूसरे लेपर्ड जो पाए जाते हैं वो कॉमन लेपर्ड कहलाते हैं, एशियन कॉमन लेपर्ड। वो आपको ज़्यादातर मरगला हिल्स और स्वात के साइड पर मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के वाइल्ड के अंदर किसी किस्म का दूसरा शेर नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर टाइगर भी हैं, पूमा भी है, लेपर्ड्स भी हैं। कॉमन लायन जो है वो हर वेदर में एडजस्ट कर जाता है, जितनी भी गर्मी हो बर्दाश्त कर लेता है, सर्दी भी अच्छी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो वाइट लायन है ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, गर्मी में बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो वाइट लायन के लिए गर्मी में खसूसन ख्याल रखना पड़ता है। टाइगर्स जो हैं ये सर्दी गर्मी दोनों बर्दाश्त कर लेते हैं। टाइगर्स को नहाना बहुत पसंद है और हर वक्त वो नहाते रहते हैं, और उनके जब भी कहीं भी कोई टाइगर होगा आप ज़रूर देखेंगे वहाँ पौंड होगा, वो पौंड में रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सबसे ज़्यादा जो ब्रीडिंग हो रही है वो कॉमन लायंस की है। कॉमन लायन हम बेसिकली अफ्रीकन लायंस जो होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं उसे कॉमन लायन कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर दूसरी जो सेकंड नंबर पे आती है वो है वाइट लायंस, कॉमन लायन के बाद। वो भी पाकिस्तान में बहुत अच्छी ब्रीड हो रही है, लोग क्रॉस ब्रीडिंग भी करा रहे हैं वाइट और कॉमन लायन को। जो वाइट और कॉमन लायन का क्रॉस होता है उसे हम लोग स्प्लिट कहते हैं। उसके बच्चे थोड़े से फ़ॉन कलर के होते हैं और थोड़ा फ़ॉन कलर का होता है और बड़ा अच्छा खूबसूरत कलर निकलता है। फिर पाकिस्तान में जो थर्ड नंबर पे आ रहा है वो टाइगर है, कॉमन टाइगर। पाकिस्तान में कॉमन टाइगर की भी बहुत अच्छी ब्रीड हो रही है। और फोर्थ नंबर पे है वाइट टाइगर। वाइट टाइगर ये होता है जो टाइगर ही होता है, उसमें स्ट्राइप्स भी होती हैं और वो वाइट कलर का होता है। वो कम है पाकिस्तान में, कम है, लेकिन उसकी भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। फिफ्थ नंबर पे स्ट्राइपलेस टाइगर है, उसकी स्ट्राइप्स नहीं होती उसके ऊपर। एक और भी पाकिस्तान में है, वो है टैबी टाइगर। टैबी टाइगर टाइगर की एक ब्रीड है, उसका फेस ज़्यादा वाइट होता है और वो थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर में होता है। वो पाकिस्तान में बहुत 4-5 दाने ही हैं और उसकी ब्रीडिंग भी अभी यहाँ कराची के अंदर हो चुकी है। आखिरी नंबर पे आता है ब्लैक लेपर्ड। ब्लैक लेपर्ड भी पाकिस्तान में बहुत कम है, सिर्फ दो ही दाने मेरी नॉलेज में जो हैं वो दो फीमेल्स पड़ी हुई हैं लाहौर ज़ू में। अमूमन ये 4 बच्चे देती हैं, लेकिन कभी कभी 2 बच्चे भी आते हैं और 6 बच्चे भी आते हैं, 8 बच्चे भी लोगों के पास आ चुके हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके पहले हफ्ते उनकी आँखें बंद होती हैं, लेकिन जो टाइगर है उसकी तो तकरीबन 15 दिन तक आंखें बंद रहती हैं। 15 दिन के बाद इनकी आंखें खुलती हैं, 15 दिन तक ये बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लायंस के बच्चे जो होते हैं तो उनको हम लोग 15 दिन 20 दिन माँ का दूध पिलाते हैं, फिर उसको फीडर पे लगाते हैं। और मदर फिल का जो ऑल्टरनेट सबसे बेस्ट है वो हमारे पाकिस्तान में रॉयल कैनन के नाम से आता है, ब्राज़ील का इम्पोर्टेड मिल्क है, वो इनको शुरू करते हैं। महीने भर तक बच्चे को दूध पे रखते हैं और महीने के बाद उसको चिकन भी स्टार्ट करते हैं और मिल्क के साथ साथ, और चिकन उसको बोनलेस से स्टार्ट करते हैं, चिकन बोनलेस बना के बिल्कुल कीमा बना के देते हैं कि वो स्वेलो उसको कर सके आराम से। 2 महीने का एक लायन कब होता है वो अराउंड 0.5 kg या 800 ग्राम तक डेली की उसकी कंजम्पशन होती है, वो खा सकता है। 4 महीने का शेर है वो डेली का तकरीबन 1.5 kg चिकन खा सकता है। ये 4 महीने से प्लस हो जाते हैं तो इनको हम लोग बोन्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में बोन्स जो हैं वो चिकन की नेक जो होती है वो बहुत नरम होती है हड्डी, वो स्टार्ट करते हैं। बोन्स से इनको कैल्शियम्स मिलते हैं। जो भी बच्चे पाले अगर कोई पालता भी है तो इनका विटामिन्स का और मिनरल्स का इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको ग्राइप वाटर दी जाती है, कैल्शियम पी सिरप दिया जाता है कि इनकी कैल्शियम्स और विटामिन्स पूरा रहें। अब लोग पूछते हैं बड़ा लायन कितना खा लेता होगा। बड़ा लायन दिन का 8 kg मीट आराम से खा लेता है। भैंस का जो कल्ले का गोश्त कहलाता है वो 150 रुपये किलो मिलता है। लोग वो लेते हैं और उसको फ्रीजर कर लेते हैं और वही इसको डालते रहते हैं। होप आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अगला टॉपिक किस चीज़ पे देखना चाहते हैं।